नमस्कार, मैं हुशवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। 3 मैचों के वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया है। इस मैच में न्यूजीलैंड के सामने 220 रन का लक्ष्य था, लेकिन जब टीम का स्कोर 18 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 104 रन था, तब बारिश के कारण खेल रोक देना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और मैच रद्द घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही 3 मैच के वनडे सीरीज को न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीत लिया। पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी आफताब ने श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। उसने हत्या कर शव के टुकड़े करने की बात भी कबूल की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट में आफताब ने कबूल किया है कि उसे श्रद्धा की हत्या का कोई अफसोस भी नहीं है। कच्चे तेल के दाम गिरने के चलते देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 14 रुपए तक की कमी आ सकती है। इंटरनेशनल बाजार में कच्चे तेल की कीमत जनवरी से निचले स्तर पर है, यह जब $81 से नीचे आ गया है। अमेरिकी क्रूड $74 प्रति बैरल के करीब है। करीब 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड की टीम क्रिकेट संकट में घिर गई है। 1 दिसंबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाना है और इंग्लैंड के 14 मेंबर बीमार पड़ गए हैं। बीमार पड़े सदस्यों में आधे खिलाड़ी हैं और बाकी सपोर्ट स्टाफ बताए जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इससे एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि गुजरात में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में शाह ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वह देश भर में संकट से जूझ रही है। इसका असर गुजरात में भी नजर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर फिर से देश में बवाल मचा हुआ है। कई लोग इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बताया है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग या एक भी सीन झूठा निकला तो मैं फिल्म बनाना छोड़ दूंगा। बैंगलोर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के गार्ड ने एटीएम मशीन से 20 लाख रुपए चुरा लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक ने गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए पैसे चुराए थे। इसके लिए उसने कुछ दिन पहले ही कैश लोडिंग स्टाफ के लोगों से दोस्ती की थी। बाद में किसी बहाने से उनकी डायरी से एटीएम के कैश कैसेट खोलने के पासवर्ड पता लगा लिया और घटना को अंजाम दिया। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 के दौरान केंद्र में सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को 614.53 करोड़ रुपए चंदे मिले, जो कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे से 6 गुना ज्यादा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 95.46 करोड़ रुपए चंदा मिला है। हाल ही में कुछ पार्टियों ने चुनाव आयोग को चंदे की लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट पेश की थी, जिसे मंगलवार को पेश किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्याकुमारी में प्लाईवुड शॉप में पिछले कई दिनों से कैमरे चोरी हो रहे थे। दुकानदार ने कई बार कैमरे बदले, बार बार चोरी होने से वह परेशान था, लेकिन कैमरा नंबर 7 में सिग्नल टूटने से पहले ऐसा फुटेज कैप्चर हो गया जिसे देखकर हंसी आ गई। वह चोर एक बंदर निकला जिसने कैमरा निकालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषी 18 साल बाद जेल में रहने के बाद रिहा हो चुके हैं। अब इस मामले में बिल्किस ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक रुख किया है। उसने आरोपियों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। उनकी इस रिहाई को अदालत में चुनौती दी गई है। इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन प्रोसेस पर अब राजनेता भी सवाल उठा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में एक बार फिर संजू सैमसन को टीम में जगह नहीं मिली। मैच शुरू होते ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट में संजू को बेंच पर बिठाए जाने का कारण पूछा है। झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित बालमुकुंद स्पंज आयरन फैक्ट्री के मालिक के घर और दफ्तर समेत 3 राज्यों में कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने रेड मारी है। कंपनी के झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित ठिकानों पर एक साथ रेड की गई है। कार्रवाई करने पहुंची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम में बंगाल और अन्य राज्यों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। आईटी की टीम सारे कागजात खंगालने में जुटी हुई है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा बीते 14 सालों से दर्शकों को एंटरटेन करता आ रहा है। शो के हर किरदार की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। शो को अलविदा कह चुके शैलेश लोढ़ा की एक तस्वीर इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। फोटो में एक्टर को शो के निर्देशक मालव राजुदा संग पोज देते देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देखकर फैंस एक्टर की वापसी की मांग कर रहे हैं। श्रद्धा मजर केस में आफताब की नई गर्लफ्रेंड सामने आई है। उसने दावा किया है कि श्रद्धा के मजर या उसके टुकड़ों से उसका कोई लेना देना नहीं है। लड़की ने बताया कि जब वह आफताब से मिलने उसके घर आती थी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आफताब ने इसी घर में श्रद्धा के टुकड़े रखे थे।
बीजेपी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विजय संकल्प रोड शो का आयोजन कर रही है। रोड शो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव के साथ साथ सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी समेत कई और दिग्गज पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल के सियालदह स्टेशन के पास दो लोकल ट्रेन आपस में टकरा गई। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। लोकल ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी, तभी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा गई। बताया जा रहा है कि एक खाली लोकल ट्रेन सियालदह स्टेशन से कारशेड की ओर जा रही थी और दूसरी ट्रेन रानाघाट लोकल थी, जिसमें कथित तौर पर कई यात्री सवार थे। धनबाद शहर के प्रमुख खेल मैदान गायब होते जा रहे हैं। बच्चों और खिलाड़ियों के खेलने के लिए जगह नहीं बची है। गोल्फ ग्राउंड में थोड़ी जगह है, लेकिन वहां भी जब तब मेला या अन्य आयोजन होते रहते हैं। इसके चलते खिलाड़ियों का अभ्यास रुक जा रहा है। ऐसे में यहां खेलो झारखंड, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रम धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट की है कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन पर रोक लगा दी है। भाजपा पहले से कह रही थी कि नया कमीशन बनाइए, परंतु नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर एक बार नीतीश कुमार का अति पिछड़ा विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। एम्स का एक बयान में लिखा गया है कि ई अस्पताल डेटा को सर्वर पर बहाल कर दिया गया है। सेवाओं को बहाल करने से पहले नेटवर्क को साफ किया जा रहा है। डेटा की मात्रा और अस्पताल सेवाओं के लिए सर्वर या कंप्यूटर की बड़ी संख्या के कारण प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR में मंगलवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार रात दिल्ली में हल्की तीव्रता का भूकंप आया। रात 9:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता 2.5 थी। इसका केंद्र नई दिल्ली से 8 किलोमीटर पश्चिम में था। राजधानी वासियों ने कड़ाके की ठंड के बीच रात करीब 9:30 बजे भूकंप के हल्के झटके महसूस किए। MCD चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारी दुरुस्त है। बता दें कि MCD सबसे बड़े नगर निकायों में से एक है, जिसके अधिकार क्षेत्र में लगभग 1.1 करोड़ लोग हैं। यह टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार के बाद दूसरे स्थान पर आती है, जो टोक्यो के गांव, कस्बों, शहरों और विशेष वार्डों में अनुमानित 1.4 करोड़ लोगों की देखरेख करती है। अगर आपको गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल आप घर बैठे भी अपने पोलिंग बूथ की जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। अपना नजदीकी पोलिंग बूथ जानने के लिए सबसे पहले निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां से मतदाता अपने पोलिंग स्टेशन की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर के कारण उत्तर भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ने लगी है। कई राज्यों में पारा 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। वहीं तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत में कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत समेत कई और इलाकों में सर्दी में और इजाफा होगा। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती में कुलपति के खिलाफ छात्र छात्राओं के आंदोलन को भड़काने का आरोप लगाकर एक अध्यापक को विश्व भारती प्रबंधन द्वारा शो कॉज किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय पिछले एक सप्ताह से छात्रों के आंदोलन चल रहा है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि कुलपति को बर्खास्त करना होगा। झारखंड की राजधानी रांची के दरभंगा हाउस में स्थित सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में छोटे उद्यमों के लिए आयोजित वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022 में कम से कम 60 इकाइयों ने अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ सरकारी उपक्रम एवं लघु उद्योग इकाइयों ने भी भाग लिया। बिहार के जमुई निवासी मेडिकल छात्र प्रिय रंजन की संदिग्ध मौत उसके हॉस्टल में हो गई, जिसके बाद उसकी मौत का मामला गरमाया हुआ है। परिजनों ने रैगिंग की बात सामने लाकर बंगाल पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कल यानी 1 दिसंबर 2022 से भुगतान करने के तौर तरीकों में एक नई चीज जुड़ जाएगी। अब जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी और न ही किसी थर्ड पार्टी ऐप द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की कोई मजबूरी होगी। कल भारत का रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA के क्षेत्रपाल परेड मैदान में पासिंग आउट परेड चल रही है। परेड से प्रभावशाली तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यक्रम में नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई है। मंगलवार को जयपुर में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता साथ नजर आए। गुजरात विधानसभा को लेकर BJP और कांग्रेस के बीच आरोपों की बौछार जारी है। एक तरफ तमाम कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में कूद रहे हैं, तो वहीं BJP के नेता भी अब इस बयान को एक बड़ा मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब इस मामले में कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अवधेश्वरम पासवान, अजय ओझा, राजेश कुमार, अरुण प्रसाद श्रीवास्तव, राजनाथ द्विवेदी, मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट को क्या पुनर्विचार करना चाहिए। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।